प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो चलिए, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 17 दादी माँ पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, प्रश्न संख्या 5 दी है, विलोम शब्द लिखो। अब विलोम शब्द तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल शब्द का अविलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल। ठीक है, अब आगे दिया है हल्की। तो हल्की का क्या होगा विलोम? भारी। यानी कि किसी भी शब्द का उल्टा जो होता है शब्द, वो हमारा विलोम शब्द होता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 6, वर्ण विच्छेद करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, हमें इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि एक एक वर्ण और मात्राओं को हमें बिल्कुल अलग करना है। तो देखिए, हम इसे करते हैं चींटियों। चींटियों का वर्ण विच्छेद करेंगे च। चा हमारा व्यंजन है, तो चा के नीचे हलंत लगेगा। फिर चा पर ई की मात्रा है, तो ई लगाएंगे। फिर ई के बगल में बिंदी है, यानी कि ये हमारा अंक की बिंदी है, तो इसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा ट, टा भी व्यंजन है, तो टा के नीचे हम हलंत लगाएंगे। फिर टा पर इ की मात्रा है, तो इ लिखेंगे। फिर य है, या के नीचे भी हलंत। फिर या पर ओ की मात्रा है, तो ओ। और फिर हमारा अंक की बिंदी। ये हुआ हमारा चींटियों शब्द का वर्ण विच्छेद। तो ऐसे आगे के जो शब्द दिए हैं, दो शब्द हैं यह धुंधली अनुपस्थिति। तो आपको इन दोनों शब्दों का वर्ण विच्छेद बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर शब्द में अ ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो चार शब्द ऐसे लिखो जिनमें अ ध्वनि का प्रयोग किया गया हो, तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए बच्चों, इसे डॉक्टर बोलने में, तो डॉक्टर यानी कि अ से औरत वाली जो मात्रा होती है उसका हमें सुनाई देता है, लेकिन इसमें हम मात्रा नहीं लगाते, इस तरीके से चंद चंद चांद बना देते हैं, चंद्रमा बना देते हैं, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगाते और ना ही इस पर कोई मात्रा होती है। तो इसे हम अ वाली ध्वनि में पढ़ेंगे, डॉक्टर। तो ऐसे ही हमें चार ऐसे शब्द लिखने हैं जिनकी जो जो शब्द है इनमें अ की ध्वनि आए। तो देखिए, पहला लिखते हैं हम ऑक्सीजन। देखिए, इसमें ओ आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन शब्द को लेते हुए हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह आपका हो गया ऑक्सीजन शब्द को लेकर एक वाक्य भी बन गया, और यहां पर एक हमारा अ ध्वनि वाला शब्द भी लिखा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अब आगे तीन शब्द स्वयं से लिखने हैं जिनमें अ की ध्वनि आए, और उन्हें आपका वाक्य प्रयोग भी उनका आपको करना है। तो ऐसे ही अब आगे देखते हैं गतिविधि कार्य। देखिए, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाओ किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय पर लिखो। तो इसमें आपने देखा था कि ऋण की भी बात आई है, कि जो लेखक था उसके दादाजी की मृत्यु होने के बाद उनके भैया और लेखक के पिताजी ने घर को संभाला, लेकिन उन पर काफ़ी ऋण था। और जो दादी माँ थी उनके घर में, एक जो खेतों में काम करती थी, रामी काकी जो थी, जो चाची थी, तो उन्होंने दादी से ऋण लिया हुआ था। तो कई बार ये बात की गई है। तो आप सोचिए कि जिनके घर में पारिवारिक स्थिति, जो परिवार की स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, और उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वो ऐसे धनी आदमी के पास जाते हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा, वो वहां से ऋण लाते हैं। और ऋण का अर्थ क्या होता है? कर्ज, कर्जा लेते हैं वो,
कि हमें इतने समय में आपको इतना पैसा लौटा देंगे। तो ये आप अपने घर में बड़ों से बातचीत करो कि कर्जा क्या होता है, किन पारिवारिक परिस्थितियों में कर्जा लेना पड़ता है, और ऐसे कौन से लोग होते हैं जो दूसरों को कर्जा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में अपने बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखो। अब घर में कुछ हमारे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन पे बच्चे क्या क्या करते हैं, तो ये भी हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। तो इसके आपको अपने मित्रों के साथ बैठ के और इस विषय पर बातें करनी है और अपने व्याकरण की कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 102 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही करना है। और गतिविधि कार्य का जो दूसरा हमारा ये पॉइंट है, ये आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में करना है।